आज हम एक ऐसी विजन रिलेटेड कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसके पेशेंट्स पहले के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उस कंडीशन का नाम है केराटोकोनस। मेरे पास कई केराटोकोनस के पेशेंट्स आते हैं जो बहुत मिसगाइडेड हैं और उनके कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं। हाय, मैं हूँ आशमा भार्गव और इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूँगी उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये जानने से कि क्या होता है केराटोकोनस। नॉर्मली हमारी हेल्दी कॉर्निया एक डोम या स्फेरिकल शेप की होती है, जिसको हम एक तरह से आँखों की विंडशील्ड भी कह सकते हैं। कॉर्निया में छोटे छोटे प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो इसे ठीक शेप में मेंटेन रखने का काम करते हैं। जब ये फाइबर्स वीक होकर अपनी जगह से हट जाते हैं और शेप मेंटेन नहीं कर पाते, तब कॉर्निया में एक बल्ज आ जाता है और वो एक कोन की तरह शेप ले लेती है। इसी कॉनिकल कॉर्निया की कंडीशन को हम केराटोकोनस कहते हैं। केराटोकोनस आपकी विजन को दो तरह से इफेक्ट करता है। पहला, आपकी कॉर्निया के सरफेस को इरेगुलर करता है जिससे हाई सिलेंड्रिकल नंबर आता है, और दूसरा, आपको दूर की चीज़ें ब्लर दिखने लगती हैं। कुछ और सिम्टम्स होते हैं जैसे आपके चश्मे के नंबर में फ्रीक्वेंट चेंजेस आना, चश्मे के साथ भी धुंधला दिखना, लाइट से सेंसिटिविटी, डबल विजन, लाइट्स में स्ट्रीक्स का दिखना, हैलोस और घोस्ट इमेजेस का दिखना। एड्स एंड ट्रीटमेंट्स। केराटोकोनस मोस्टली प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है जिसके कारण आपका चश्मे का नंबर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। इसीलिए अगर आपको केराटोकोनस डायग्नोस हुआ है तो सबसे पहले आपके प्रोग्रेशन को चेक करके C3R यानी कि कॉर्निया कोलेजन क्रॉस लिंकिंग को कंसीडर किया जाता है। इस प्रोसीजर में अल्ट्रावायलेट रेज और राइबोफ्लेविन मेडिसिन की हेल्प से आपकी कॉर्निया के फाइबर्स को आपस में बाइंड करते हैं और कॉर्निया स्ट्रेंथन करते हैं। बट याद रखें कि C3R से आपका केराटोकोनस रिवर्स नहीं होता है, बस उसका प्रोग्रेशन रुक जाता है। कई केराटोकोनिक पेशेंट्स की क्वेरी होती है कि क्या हम लेसिक सर्जरी करवा सकते हैं। इसका आंसर है नो। अगर आपको केराटोकोनस डायग्नोस हुआ है तो लेसिक सर्जरी करवाना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। इससे आपकी कॉर्निया और वीक हो जाती है और आपकी विजन और ख़राब हो सकती है। अगर आपके माइल्ड केराटोकोनस भी है तब भी लेसिक सर्जरी इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। माइल्ड केराटोकोनस केसेस में कई बार नॉर्मल ग्लासेस या सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज से भी अच्छी विजन आ जाती है। बट अगर आपका केस मॉडरेट टू एडवांस स्टेज तक पहुंच गया है तो आपको विजन के लिए स्पेशलाइज गैस परमेबल लेंसेज यानी कि RGP लेंसेज का यूज़ करना होता है। ये साइज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कॉर्नियल, लिम्बल, सेमी स्क्लेरल्स, मिनी स्क्लेरल्स एंड स्क्लेरल्स। ये आपकी कॉर्निया की शेप के हिसाब से हर केस के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं। इन लेंसेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर किसी की कॉर्निया एक्सेसिवली थिन हो जाए या केराटोकोनस काफ़ी एडवांस स्टेजेस पर पहुंच जाए और लेंसेज से भी विजन नहीं आ रही हो, तो लास्ट ऑप्शन होता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। बट आफ्टर ट्रांसप्लांट भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि क्लियर विजन के लिए ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करने पड़ते हैं। ट्रांसप्लांट्स में इन्फेक्शन और ग्राफ्ट रिजेक्शन के हाई चांसेस होने के कारण इसे लास्ट ऑप्शन कंसीडर करते हैं। अगर आपको केराटोकोनस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस हो सके, और आगे भी ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल द सेकेंड साइट आई क्लिनिक को सब्सक्राइब करें।